तू लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को ऐसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बन जा रहा। घर आ जा के देखे नैना, रास्ता तेरा देखे ये नैना, रास्ता तेरा। सारी जिंदगी गुजर गई, बाल सफेद हो गए, मगर कसम ले लो जो आज तक ऐसी जगह पर आया हूं। जी मामूजान, बस एक बार मिल जाए मुझे ये बदबख्त। अरे मामूजान, यहीं कहीं होगा। ला हौल वला कुव्वत, क्या बेहुदा तस्वीर है। मामूजान अंदर चलते हैं हॉल में। हाँ चलो। आज नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, हर बार मेरी मुखबरी करता है वो। उसे पता कैसे चलता है कि तू है कहाँ? दुश्मन है वो मेरा, समझा? और खबर दुश्मनों की रखी जाती है, दोस्तों की नहीं। ओ अच्छा यार, अब तू जा, वो तेरे अब्बा जी जो है ना तुझे तलाश कर रहे होंगे। अजान सुनाई नहीं दे रही तुझे? और मेरी तलाश छोड़ के अपने रब को तलाश कर रहे होंगे वो। ए, ये पी ले, चलता हूँ। जी आ गए? नहीं, आ बैठ। आज शुक्र है बच गया। आज अगर अब्बा जी के हाथ लग जाता तो इतनी फेंटी पड़नी थी कि सारी उम्र याद रहती मुझे। अरे तो क्यों करता है उनकी मर्जी के खिलाफ, क्यों सताता है उन्हें? वो क्यों नहीं चलते मेरी मर्जी पे, क्यों सताते हैं मुझे? अरे तू उनका बेटा है, वो तेरे बेटे नहीं है। अम्मा
एक बात बताऊं, अगर अब्बा जी मेरे बेटे होते ना, ऐसे मार मार के सीधा रखता ना, वो बिल्कुल सीधे रहते। अरे पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा, बाप के लिए ऐसी बातें करते। अच्छा अम्मा छोड़ ना, बहुत भूख लगी, भाग भाग के पेट खाली हो गया, क्या पड़ा है खाने को। सुन, ये सुबह जो तू आलू वाले दो पराठे खा के गया था वो, लो अब तक यहाँ पड़े होंगे, कब के हजम हो गए, अब तो पेट खाली मैदान बन चुका है जहाँ पे चूहे 20-20 मैच खेल रहे हैं। हाय मेरा लाल, मेरा बच्चा, अरे तुझे भूख लगी है ना, मैंने तेरे लिए आलू मेथी बनाया। लो सुन लो अम्मा की बात है, ये इतना लाड प्यार आलू मेथी के लिए हो रहा है, जहर लगती मुझे घास टाइप सब्जी। तेरे अब्बा के लिए मैंने 1/2 किलो कीमा बनाया। हाय ओए, आजी साहब के लिए कीमा, हमारे लिए मेथी आलू। अरे बैठ तो सही, मैं उस सालन में से तुझे भी दे देती हूँ। अच्छा माँ, पराठे बनाते, सूखी रोटी नहीं चलनी। मैं भी बना के लाती, बैठ दो। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। रूफी बेटा, कितनी देर कर दी तूने आने में, और तुझे अच्छी तरह से पता है कि मामू को घर देर से आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मामू के साथ ही तो गया था, जरूरी काम से इसलिए देर हो गई। नमाज पढ़ने गया था। हाँ नमाज भी पढ़ने गया था, और फिर काम भी था इसलिए लेट हो गए। काम? क्या काम? वो मुस्तकीम को ढूंढने गए थे हम, जानती है दोपहर से गायब था, और मामू जान काफी परेशान थे। मैंने मामू जान से कहा आप मेरे साथ आए, मैं ले चलता हूँ उसके पास आपको। फिर क्या जनाब, सिनेमा में दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए हुए थे, हमें देखते ही भाग गया वहां से। ये मुस्तकीम तो बिल्कुल हाथों से निकलता जा रहा है, ये तो मेरे भाई के सफेद बालों में खाक डलवाए ही डलवाए। और ये फातिमा भाभी, अरे इससे तो बच्चों की तरबियत हो ही नहीं सकी, नाश करके रख दिया मुस्तकीम का। माँ ही संवारती है बच्चों को और माँ ही बिगाड़ती है, ये तो गया हाथों से मुस्तकीम तो। चलो माँ छोड़ो ना इस मुस्तकीम को, ये बताओ क्या पकाया आज खाने में? मैंने धुली हुई मूंगी की दाल पकाई है। अरे क्या अम्मा, मूंगी की दाल, साबुन की बू आती है उसमें से, मुझे कुछ और नहीं बना सकती थी तुम? कहता कि मेरे पास क्या करोड़ों रुपए के खजाने रखे हैं कि मैं मुर्गी और गोश्त बनाऊं? अच्छा जाओ ना, मामी से पूछो आज उनके यहाँ क्या पका है। हाँ, पूछते थे रोज ही पूछते। बतूल? हाँ ठीक है। बतूल जा के मामानी से नीचे से सालन ले आ जाके, और हाँ कहना कि रूफी की तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए चाहिए। क्या हुआ रूफी भाई को, अभी तो वो ठीक थे? जितना मैं कह रही हूँ ना, बस वही कर, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, जा लेके आ सालन। दुपट्टा ठीक से ओढ़ ले। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये वो मुस्तकीम आ गया? जी अब्बा। कहाँ है ये खबीस? ले मेरा बेटा, खा आराम से। अरे अम्मा मजे का पराठा। बेटा तू खा आराम। अच्छा तो यहाँ माँ अपने मियाँ मिठू को चूड़ियाँ खिला रही है। अबे दोपहर को कहाँ था? हैं? बोल, नहीं तो ये सारे पराठे वापस तेरे हलक से निकाल दूंगा। बोल। अरे बोल। इस गरीब को खाना तो खा लेने दे। तू बीच में से हट जा अब्दा की माँ, नहीं तो तू भी इस मार की लपेट में आ जाएगी। बोल कहाँ था? अरे जवान औलाद है, कोई जवान औलाद पर इस तरह से हाथ उठाता है? कोई जवान बेटा अपने बाप की इज्जत को इस तरह से खाक में भी नहीं मिलाता। अब्बा जी मैं मदरसे में था, आपकी कसम आप कई सबसे पूछ रहे हैं।
आप की कसम अब्बा जी। देख देख कितनी कितनी दिलेरी से झूठ बोल रहा है, अबे कितनी बेखौफी से कसमें उठा रहा है। झूठी कसमें उठाने पर अल्लाह की लानत होती है। वालेकुम अस्सलाम बेटी, क्या हाल है? ठीक हूँ मामू जान। अबे ठहर जा, इधर जा, ठहर। अरे बेटा किसी काम से आई थी तो क्या? जी मोमानी जान, वो रूफी भैया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो अम्मा ने सालन लेने भेजा है। वो दाल नहीं खाते ना। लेकिन अब्दुल रऊफ को हुआ क्या है? दोपहर को तो बिल्कुल ठीक था। मामू जान पता नहीं। बेटा मैंने तो आलू मेथी और कीमा बनाया है। भाई कीमा ही दे दे, अब बीमार बंदा आलू मेथी खाएगा? मैं थोड़ी देर में आता हूँ अब्दुल रऊफ की खबर लेने। हैं माँ से कहना किसी बात की फिक्र ना करे, ठीक है? जी जा ले ले जा ले जा ले जा। शुक्रिया मेहमान जान। आपने तो उस बेचारे को खाना भी नहीं खाने दिया। उसके खाने की फिक्र करना, उसकी तरबियत की फिक्र ना करना। खाना भी नहीं खाने दिया उसको। मैं हाथ मुंह धोने जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना लगा दे। भूख लगी है जी, आमलेट बना दो। और वो कीमा? वो तो बतूल ले गई थी। मैं अभी तुम्हें आमलेट बना देती, अभी बन जाता है, फिक्र नहीं कर। आ गया तेरा लाडला वापस। जी ए, आज तो बहुत थक गया हूँ। उसके पीछे भाग भाग कर बड़ी ख्वारी हुई है, टांगों में दर्द होने लगा है। टांगे तपा दूँ मैं? ये अपना अब्दुल रऊफ भी तो है ना, नेक और सुलझा, यतीम है। बाप का साया सर पर नहीं है, लेकिन कैसी अच्छी तरबियत की है मेरी बहन ने उसकी। हीरा हीरा, तालीम में आगे, अदब लिहाज में आगे। अरे तू है लाड, प्यार से नास मार दिया है तुमने लड़के का। हिफ्ज करने मदरसे में बिठाया, वहां से भाग गया। तालीम इसने पूरी नहीं की, हर वक्त अपने लफंगे दोस्तों के साथ आवारा कृतियां करता है, खेल तमाशे, वाहियात फिल्में। हाय हाय, तेरे प्यार ने उसे
कहीं का नहीं छोड़ा। बेटे के लिए इतनी ज्यादा सख्ती और रूफी के लिए बेजा मोहब्बत, इन सब ने मुस्तकीम को बिल्कुल बागी कर दिया। बन गई ना भाभी, औरत का हसद कभी नहीं जाता। अब तो रूफ यतीम बच्चा है, यतीम की आह तो अर्श तक जाती है, उसकी आह से डर। हाँ, अल्लाह माफ करे, मेरा ये मकसद नहीं था। चल बस कर जा, जा, नींद आ रही है मुझे, फजर के वक्त उठना भी है। राबिया और आबदा को भी उठा देना, और अपने उस लाडले को भी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काश मैं भी यतीम होता, हाजी साहब की हमदर्दी और प्यार तो मिल जाता मुझे। रूफी के बच्चे, तुझे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे बाप के पैसों से मिली हुई मोटरसाइकिल दौड़ाता फिरता, देख सुबह क्या अश्र करता हूं मैं तेरा। ना जो करना है कर ले, कर दिया। बड़ा है अब्दुल रऊफ कुरैशी साहब। मुस्तकीम के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, बस अब और नहीं। पिछले 4 साल से तुम बीए में फेल हो रहे हो, अब नहीं, अब तुम बस दुकान पे बैठो। हाँ, मुझे नहीं बैठना दुकान पे, मुझे नहीं बनना दुकानदार। अच्छा जी, तो बीए फेल को कोई अफसरी या मिनिस्ट्री देगा? तुम दुकान पर बैठोगे, नूरदीन भी बूढ़ा हो गया, अकेला उसे काम नहीं होता। मुझे इस बार पेपर देने दे, मैं पास हो जाऊंगा। क्यों, इस बार फरिश्ते आकर तुम्हारी जगह पेपर देंगे जो तुम पास हो जाओगे? ये सब तुम बहाने बना रहे हो, काम से बचने के लिए, दोस्तों के साथ आवारा गर्दियां करने के लिए। एक अब्दुल रऊफ भी है, कितना जिम्मेदार, कितना लायक। पर अब्बा जी, कोई पर अब्बा जी नहीं, जो कह दिया सो कह दिया। उसकी बात एक बार सुन तो लेते। जब वो कह रहा है कि इस बार वो मेहनत करेगा, तो उसे एक मौका तो देकर देखे। और ये पिछले 4 मौके जो इसे मिले, उससे क्या फायदा उठाया इसने जो इस बार उठा लेगा? अब ये दुकान पर बैठेगा बस। आपा ये देखो जरा, आपा क्या तुम पुराने जमाने की बूढ़ी रूह की तरह हर वक्त कड़ाइयां करती रहती हो? कोई नहीं पूछता आजकल इन कड़े वगौनों को। क्या करूं, करने को कुछ है भी तो नहीं। मैट्रिक के बाद अब्बा ने घर बिठा लिया। रब्बो वो जो मेरी दोस्त थी ना, वो दोस्त अब्बा ने सुन लिया ना तो शामत आ जाएगी। अरे हाँ बाबा,
जो मेरी सहेली थी वो नुदरत और आसिया। हाँ फिर? नुदरत डॉक्टर बन गई है और आसिया एक कॉलेज में लेक्चरर है। मुझे भी पढ़ने का कितना शौक था ना, मगर अब्बा उन्हें कौन समझाता। रहने तो आपा, तुम डॉक्टर या लेक्चरर बन भी जाती ना तो भी तुम्हारी शादी रूफी भाई से ही होनी थी। अब मैट्रिक की है तो भी तुम्हारी शादी रूफी भाई से ही होनी है, क्या फर्क पड़ता है? ट्राई, तुम ठीक कह रही हो, क्या फर्क पड़ता है। आपा एक बात तो बताओ, अब्बा चले गए? हाँ। अरे मेरे फेवरेट ड्रामे की आज आखिरी किस्त है। रब्बो अगर अब्बा को पता चल गया ना तो सख्त नाराज होंगे। अब्बा को बताएगा कौन, अब तुम और अम्मी तो मेरी मुखबरी करने से रहे। अल्लाह इस हीरोइन ने जो ड्रेस पहना है ना। सुधर जाओ रब्बो वरना अब्बा तुम्हें जान से मार देंगे। क्यों, क्या खराबी है इस ड्रेस में? बाजू भी पूरे हैं, दुपट्टा भी लिया हुआ है, अब और क्या करे वो बेचारी। ऐसे लिबास ना सिर्फ ड्रामे वालियां ही पहनती हैं, शरीफ घरानों की लड़कियां नहीं, समझी? माफ कर दो आपा मुझे, तुमसे बात करना ही फिजूल है। यार वही जो उनकी क्लास में इतना कॉमन है, उनकी क्या बल्कि आजकल तो हर क्लास। राबिया ये बेचारियां तू फिर से टीवी देख रही है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे अब्बू ने ये टीवी खबरनामा देखने के लिए लिया था। अब अगर उन्हें पता चला कि तुम इस पर टीवी ड्रामे और फिल्में देखती हो तो बहुत खफा होंगे। अरे बेटा ये गुनाह है। अम्मा रहने ही दो, जो अब्बा सारे दिन घूर घूर के न्यूज़कास्टर को देखते वो गुनाह नहीं होता। हाय अल्लाह तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप के बारे में ऐसी बात करते हुए? तुम पर तो बिल्कुल मुस्तकीम का रंग चढ़ता जा रहा है। अच्छा छोड़ो ना अम्मा ये बातें, अम्मा वो हीरोइन जैसा ड्रेस दिला दो ना, सोबिया की शादी में जाने अगले हफ्ते क्या पहन के जाऊंगी, देखो कपड़ों का क्या हाल हो गया है। पागल हो गई है क्या? देख राबिया मेरे साथ जिद ना कर, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा अम्मा मुझे कपड़ा ला दो, मैं खुद सी लूंगी। दिमाग दुरुस्त है तेरा? अरे कपड़ा बाजार से फ्री में मिलता है क्या, उस पे भी रकम खर्च होती है। एक तो घर के इतने खर्चे, ऊपर से तुम लोगों की फरमाइशें। अम्मा रब्बो ठीक ही तो कह रही है, इसके पास कोई भी ढंग का जोड़ा नहीं है, ला देना इसे कपड़े। अरे जिद ना करो, मेरे पास पैसे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाभी फातिमा। वालेकुम अस्सलाम, आप आओ बैठो ना। अरे भाभी घर में कितनी खामोशी, कहीं फिर मुस्तकीम ने भाईजान से बदतमीजी तो नहीं की? अरे आपा उस बेचारे पर तो आपके भाईजान को खामखाई इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ऐसे माफ करना भाभी, खामखा तो बिल्कुल नहीं आता, मुझे तो इस लड़के के लक्षण बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब आप खुद सोचें कि क्या शुरफा के बेटे नौटंकी और थिएटर में जाते हैं, मुझे तो रूफी बता रहा था, और फिर मेरे वालिद अल्लाह को बख्शे मौलवी अब्दुल गफूर, इतने बड़े आलम दीन, उनका पोता, अरे ऐसे गलत रास्ते पे, तोबा तोबा। अब आप चाय पियेंगी? क्यों नहीं पीऊंगी, मेरे तो भाई का घर है, मैं सब बिस्मिल्ला चाय पीऊंगी। आपदा बेटा फूफू आई हुई है, चाय ले आओ। आप बतूल को भी ले आती? लो ले आती उसे मैं, रूफी ने उसे प्राइवेट एफए करने के फार्म ला के दिए, अब बस रात दिन पढ़ाई के पीछे लगी हुई है। माशाल्लाह बड़ी होनहार बेटी है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। खैर से मेरी रूफी की पढ़ाई ख़त्म हो जाए तो ये चाय पीने मुझे तुम्हारे यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ये राबिया कहाँ है? अरे उसे इतना ख्याल भी नहीं आया कि मेरी फूफू आई हुई, उसको आके सलामी कर लूँ मैं। फूफू बतूल कहाँ है? लो वो कोई फारिग थोड़ी बैठी है, हर वक्त पढ़ाई करती है वो। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। लो उस काम से आई थी, वो तो भूल ही गई।
ये बिजली के बिल हैं, पानी का बिल है, गैस का, और इसमें लिस्ट भी है वो बतूल की किताबें भाईजान मुस्तकीम से कह के मंगवा दें। ठीक है। अच्छा भाभी चलती हूँ मैं। ठीक है अपा। हाँ अरे याद आया वो पकाया क्या तुमने? हाँ अपा कड़ी बनाई थी, मैं भिजवाने वाली थी आपको। जाने दो, कड़ी भी कोई खाने की चीज है? मैंने समझा ना जाने कोई कोरमा या पुलाव पक्का हुआ होगा। अच्छा चरस वाला सिगरेट तो नहीं पिला रहे मुझे? गम ना कर, पीजा। पीजा के बच्चे पकड़ के सिगरेट की बू बचाने के लिए इतर लगा के घर पे जाता हूँ। चरस की बू ना हाजी साहब ने यूं पकड़ लेनी है। यार एक बात बता, तू अपने अब्बा जी से इतना डरता क्यों है? तो और क्या, तेरे अब्बा जी से डरूं मैं? हाजी साहब को जानते नहीं हो तुम लोग, चीज ही ऐसी है वो। अच्छा ये बता आज का प्रोग्राम क्या है, चलें उधर? ये माफ कर दे मुझे, कहीं नहीं जाना आज मुझे। आज हाजी साहब की दुकान पे हाजिरी लगाने जाना है मुझे, वरना वो जो चमचा है ना हाजी साहब का नूरुद्दीन, शिकायत लगा देगा उन्हें। और हाजी साहब खा लो दे देंगे मेरी। वाह वाह, हमारा यार कारोबार संभालने लग गया है। कारोबार नहीं, जलील दुकानदारी करने जा रहा हूँ। इतने बड़े शहर में जो इतनी सी दुकान है ना हमारी, वो संभालूंगा मैं। कितना भोला है हमारा यार, उस बाजार की रंगरलियां भूल गया? लाखों का माल, करोड़ों के हसीन चेहरे, हाय मार दिया जालिम ने। आए और लाखों के माल पे नाक बन के बैठा हुआ नूरुद्दीन नजर नहीं आता तुझे? बात करता जा रहा हूं मैं। ओए हम चक्कर लगाएंगे हैं? हाजी साहब के होते हुए आना। उनको देख के आएंगे, हम भी बहुत चलाक हैं। इतनी गर्मी है, पंखा तो चला दो। अरे लाइट गई हुई है बेटा। ठीक नहीं है। मैं 10 रुपए की लास्ट पी। आओ बेटा मैं देता हूँ। सुनिए। सुनाइए। मुझे सितारे चाहिए आसमान से, दुकान से। हाय हाय आप कहें तो आपके लिए आसमान से सितारे तोड़ के ले आऊं। चाचा जी जरा बात सुनिए। इधर मेरे पास आ जाओ बेटा। वैसे करीमी साहब हमारा दौर अच्छा था, जो कुछ बुजुर्ग कहते थे हम सर झुकाकर सुन लेते थे। एक आजकल का दौर है, नौजवान न सुनते हैं न सर झुकाते। जी सच कहा आपने शुकूर साहब, आजकल के नौजवान किसी के नहीं सुनते। अब इस मस्जिद की वीरानी को देख लें, हम बूढ़े ही इसकी खिदमत कर रहे हैं, हम बूढ़ों ने ही इसे संभाल रखा। नौजवानों को तो इंटरनेट और SMS से ही फुर्सत नहीं मिलती। फहाशी के फरोग का सबब हैं ये सब चीजें। हमारे बुजुर्ग टीवी और सिनेमा के बारे में जो कुछ कहते थे, क्या हम रोक सके इसे? आज हर घर में टीवी है। टीवी तो क्या, आज हर घर सिनेमा घर बना हुआ। अगर उस वक्त
इस चीज को डंडे के जोर पर रोका होता तो आज ये बुराई फैलती? डंडा दिखाकर आप बुराई को खत्म नहीं कर सकते शिकोर साहब। डंडा दिखाकर आप सामने वाले को डरा तो सकते हैं मगर कायल नहीं कर सकते। अब मदरसे की और मस्जिद की तौसी का काम हो रहा है, हमें नमाजियों से चंदे की अपील करनी चाहिए। ये तो बड़ी सही बात है, नेकी का काम है, सवाब का काम है, करना चाहिए। पहले इस मस्जिद की जमीन का झगड़ा तो खत्म हो जाए तो सही तो बाद की बात है। यानी भी लानत है भाई शकूर साहब, बड़ा खबीस आदमी है, जैसे ही चंदे की बात हुई खिसक लिया। कोई बात नहीं मौलवी साहब, हर किस्म के लोग होते हैं, आप घबराया ना करें। ये लें, ये फिलहाल 1000 रुपए मेरी तरफ से रखें। जजाकल्लाह, जजाकल्लाह। जो भी अल्लाह तौफीक देता रहेगा इंशाल्लाह मैं करता रहूंगा, अल्लाह का काम है। ले आप करीबी साहब, दुकान पे मुझे पहुंचना है, फिर इंशाल्लाह असर के वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? वही कर रहा हूँ जिस काम के लिए भेजा था आपने, और क्या करना है? देखो तुम्हारी तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नूरदीन जी, इस पर नजर रखना, इसके आवारा दोस्त यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। जी बहुत बेहतर है साहब। जब आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो क्यों डाल रहे हैं जिम्मेदारी मुझ पे? इसलिए कि तुम जिम्मेदार बनो। ये सिर्फ दुकान नहीं है, तुम्हारे बाप दादा की कमाई हुई बरसों की इज्जत भी है। ये शीश महल है जो तुम्हारी जरा सी कोताही से चकनाचूर भी हो सकता है। शीश महल? और देखो इस बाजार में लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, उस एहतराम में फर्क नहीं आना चाहिए तुम्हारी वजह से। इस इज्जत और एहतराम को बरकरार रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी? अब्बा जी, 200 रुपए चाहिए थे। किस लिए? जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये तो अच्छा है ना, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है। काम करें, काम हंसे ना। इसके बाद हम कोई अच्छी सी मूवी देखने चलते हैं। कितने दिन हो गए हम बाहर नहीं गए। मारे गए रूफी, अच्छी डेट पर निकला तू, आज तो सारे पैसे उजड़ जाएंगे। ये यूं ही खाती रही ना तो बेटा तेरा तो उजाड़ा हो जाएगा। क्या सोच रहे हो, पैसे नहीं है क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पैसे तो मेरे पास बहुत है, आज मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे घर जल्दी जाना होगा। एक बात याद रखना, जब मुझे लेके बाहर निकलते हो ना तो पैसों के साथ साथ टाइम भी होना चाहिए। मुझे वक्त की और पैसों की कमी अच्छी नहीं लगती। ठीक है अब चलें। चलो। आ गए जनाब अब्दुल रऊफ कुरैशी साहब। आ गया हूँ इसलिए नजर आ रहा हूँ तुझे। नजर तो आज काफी जगह पे आए हो मुझे। क्या मतलब? आए हो मासूमियत, अब मतलब ही बताना पड़ेगा। कौन थी वो हसीना जबीना जिसके साथ सड़कों पे घूमा जा रहा था, आइसक्रीम चल रही थी? क्या बकवास कर रहा तू? सच को बकवास कह रहा? झूठ बोलना बुरी बात होती है, गुनाह होता है, और उससे भी बुरी बात होती है किसी नामहरम लड़की के साथ घूमना फिरना। और तुम तो बहुत ही नेक और शरीफ लड़के हो ना अब्दुल रऊफ कुरैशी। हाँ गया था मैं, क्या कर लेगा तू? मैंने क्या करना है, बस आजी साहब को सब कुछ बता दूंगा। और तू जैसे झूठे का यकीन कर लेंगे, कम से कम आजी साहब तो तेरा यकीन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मेरी बात का यकीन? क्योंकि जितनी औकात हो बात उतनी ही करनी चाहिए। चल हट मेरे रास्ते से। अबे गाली किसको दी है? तुझे दी है, बोल। हाँ। अबे गाली क्यों दे रहा मुझे? अरे मेरा तू क्या कर रहा है? गाली, मैं हट जा रहा हूँ। गाली दे मुझे। अरे अरे अरे
क्या हो गया तुम लोगों को? अरे मुस्तकीम, पागल हो गया तू? तेरा बड़ा भाई है ये। अरे मामी समझा लो इसे, छोटा है इसलिए लिहाज करो वरना। चल जान दे, अगर हाजी साहब को पता चल गया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। बेटा ना समझ है ये, नादान है, बस तुम अपने मामू को ये सब कुछ मत बताना। अरे नहीं नहीं मामी, आप फिक्र ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब समझता हूँ, बस इसे समझाया करें। तेरी बड़ी मेहरबानी बेटा। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। मामू जान आओ, रूफी मियां आओ। मामू जान देर तो नहीं हुई मुझे? नहीं बेटा, अभी तो अजान हुई है, जमात खड़ी होने में अभी वक्त है। मामू जान मुस्तकीम नहीं आया? बेटा उसे कहां तौफीक नमाज पढ़ने की, बस कभी पढ़ ली और कभी। मामू जान अभी ना समझ है, बच्चा है वो। अब ऐसा भी बच्चा नहीं है कि उसे दीन के बुनियादी अहकाम मैं याद दिलाता रहूं। अब तुम भी तो हो माशाल्लाह समझदार, समझ बूझ वाले हैं। मामू जान ये तो उस परवरदिगार की मोहब्बत है मुझ पे। हाँ सच कहते हो तुम। आज ना जाने पता नहीं कहाँ लड़ झगड़ कर आया, मुझसे भी उलझ पड़ा, गिरे बांध पकड़ लिया, गालियां। वो तो मामू जान मैं उसे हमेशा अपना छोटा समझता हूँ, इसलिए उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त कर लेता हूँ। कल कलाम बाजार में किसी से उलझ पड़ा तो कोई लिहाज नहीं करेगा उसका। ये कब की बात है? मामू जान आज ही की, मामी भी मौजूद थी वहाँ जब इसने बदतमीजी की मुझसे। अच्छा खैर जाने दीजिए ना, मैंने तो ऐसे ही जिक्र कर दिया। हद हो गई है बेशर्मी और बेहयाई की, कोई तमीज अदब लिहाज नहीं रहा तुम्हारे अंदर। गाली गलौज लड़ाई मार कुटाई ये तक तुम घर में ले आए, जवान बहनों का तुम्हें ख्याल नहीं, बूढ़े मां बाप की तुम्हें फिक्र नहीं है, दीन की आखिरत की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। आखिर तुम चाहते क्या हो? अब्बा जी वो रूफी खबरदार। चाचा जी कहाँ? चाचा जी को दफा करें, मैं जवान जो आपकी खिदमत के लिए। मोती चाहिए मुझे समुंदर से। आप पागल तो नहीं है? अपने बतूत के लिए इतना सा भी काम नहीं कर सकते। क्या करेंगे आप? वही जो एक जिम्मेदार बाप को करना चाहिए। जाओ बुलाओ मुस्तकीम को, जाओ। क्या किसी का इंतजार कर रही थी? मैं भला किसका इंतजार करूंगी? अब मेरा भी नहीं जी। तू लागे कोई पंछी बेचारा, काहे को वैसे फिरता है मारा, जैसे हो कोई जोगी बंजारा। घर आ जा के देखे नैना, रास्ता तेरा देखे ये नैना, रास्ता तेरा।